हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और बार MSTS ओपन रेल्स की एक नई गेम प्ले वीडियो में। तो भाई लोग, आज हम चलाने वाले हैं ट्रेन नंबर 11030 कोयना एक्सप्रेस, जो कि पुणे से मुंबई के बीच में चलती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी ट्रेन में लगे हुए हैं वाइट और ब्लू शेड के ICF कोचेस, और हमारी ट्रेन में साथ में लगा हुआ है WDM3D लोकोमोटिव, जो कि एक डीजल लोकोमोटिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम अभी पुणे रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं, और ये हमारा कैब व्यू है। यहाँ पे सीट और यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोलर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा WDM3D लोकोमोटिव बिल्कुल तैयार खड़ा है हमारी ट्रेन को लेके जाने के लिए। और यहाँ पे हमारा डिपार्चर टाइम भी करीब 1 मिनट बाद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामने से कोई ट्रेन यहाँ पे एंटर कर रही है, जिसमें शायद WEB7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, दूर से देखने में ऐसा लग रहा है। और यहाँ साइड में एक LHB ट्रेन भी खड़ी हुई है, जो कि शायद हमारे साथ ही जाने वाली है। ओके, तो ये WDS पुणे LHB शंटिंग है, जिसमें येलो कलर का WDS6 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और ये शंटिंग ट्रेन है, यानी कि ये जाके अब शंट एरिया में जा खड़ी होने वाली है। और सामने से आ रही है 16339 मुंबई CSMT नागरकोइल एक्सप्रेस, जिसमें लगा हुआ है WEB7 लोकोमोटिव, जैसे कि मैंने पहले कहा था। और ये शायद तो ये रोयापुरम शेड का लोकोमोटिव है, जिसमें LHB कोचेस लगे हुए हैं और स्लोली एंटर कर रही है। और यहाँ पे हमारा लोकोमोटिव और ट्रेन का डिपार्चर का समय हो चुका है, तो हम फटाफट यहाँ पे डिपार्ट करते हैं हॉर्न बजाते हुए। तो यहाँ पे बिसल बज चुकी है, टोटल हम बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे हमारी ट्रेन स्लोली डिपार्ट कर रही है पुणे रेलवे स्टेशन से। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा लास्ट कोच का व्यू है, और ये हमारा कैब व्यू है। और स्लोली हम यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं। और हमारे लोकोमोटिव से भी काफ़ी सारा धुआं निकल रहा है, क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। और आगे से हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पे हमारी स्पीड लिमिट करीब 10 की दी गई है, तो हम ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे नहीं। देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड व्यू से हमारे कोच का व्यू, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से हमारा ट्रैक चेंज हो रहे हैं। और हम अपनी मेन लाइन की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारी स्पीड करीब 14 से 15 हो चुकी है, तो हम ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैटिक कोचेस भी खड़े हुए हैं, जिसमें जन शताब्दी के कोचेस है, ICF कोचेस है, और हमारी ट्रेन में जो कोचेस लगे हुए हैं वैसे भी कोचेस यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे स्लोली स्लोली यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे साइड में खड़ी हुई WDS6 के साथ जो शंटिंग ट्रेन है, वो भी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टैटिक कोचेस यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अभी हम करीब 13 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए लास्ट कोच। और साइड ट्रेन भी काफ़ी स्लो स्पीड से आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट ही 10 की दी गई है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं अभी। और थोड़ी दूर जाके हमको 105 की स्पीड मिलने वाली है, तो फिर हम अपनी ट्रेन को एक्सेलरेट करेंगे। बट अभी थोड़ा हमको स्लोली यहाँ से डिपार्ट करना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे लोकोमोटिव से स्मोक निकल रहा है, और शंटिंग ट्रेन भी बहुत स्लोली बढ़ रही है हमारे साथ साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो साइड ट्रैक है ना, उस तरफ का, वहाँ पे वो ट्रेन आ रही है शंटिंग वाली इस ट्रैक पे, और आगे जाके ये ट्रैक ख़त्म हो रहा है, तो यहीं पे आके ये ट्रेन रुकने वाली है, तो वो लोकोमोटिव यहाँ पे ट्रेन को आके खड़ा कर देगा। और हमको 105 की स्पीड लिमिट मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी एक्सेलरेट करेंगे। अब थ्रॉटल बढ़ा देता हूँ मैं, और देखिए यार, हमारे ट्रेन का एक्सेलरेशन तो देखिए, डीजल लोकोमोटिव एक्सेलरेट काफ़ी जल्दी करते हैं, बट इनको कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि लास्ट में जब इन्हें रोका जाता है तो इनकी ब्रेकिंग काफ़ी स्लो होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक काफ़ी बड़े ब्रिज से गुजरने वाले हैं यहाँ पर, जहाँ पे हमारे पैरेलल में रोड भी बनी हुई है, जैसे काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही है, और ट्रैफिक का भी काफ़ी शोर आ रहा है।
यहाँ पे हम दूर से देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए, दोनों तरफ रोडे बनी हुई है। ये देखिए लास्ट कोच से काफी बड़ी नदी यहाँ पे बनी हुई है जिसके ऊपर से हम अभी पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेट कर चुकी है और थोड़ी दूर बाद ही हमारा स्टेशन आने वाला है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सीलेट तो करेंगे नहीं। और यहाँ पे बहुत प्यार से कर्व यहाँ पे हमारी ट्रेन गुजर रही है, ये देखिए काफ़ी छोटा सा कर्व था यहाँ पर, और आगे ही हमारा स्टेशन है तो यहाँ पे हमको इतनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रिज से निकल रहे हैं और मैं ब्रेक्स अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि हम जाने वाले हैं लूप लाइन पर जो कि प्लेटफॉर्म से लग के लगी हुई है और हमको यहाँ पर रुकना है। तो ये शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन है जहाँ पर हमको थोड़ी देर का हॉल्ट रखना है, तो यहाँ पर मैं अपनी स्पीड को काफ़ी स्लो कर लेता हूँ और स्लोली हम स्टेशन में एंटर करेंगे। और हम यहाँ पर काफ़ी टाइमिंग से पहुँच चुके हैं इस स्टेशन में, और जैसे ही हमारी ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म में एंटर कर जाएगी तब हम अपनी ट्रेन को रोक देंगे। तो अभी तो हमारी ट्रेन काफ़ी बाहर है स्टेशन से और यहाँ पे हम पूरी तरह से लूप लाइन में आ चुके हैं, और शायद कोई और ट्रेन भी हमको यहाँ पे क्रॉस करने वाली है। ओके, तो सामने से एक ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन है 22159 मुंबई CSMT MGR चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, जिसमें शायद लगा हुआ था WDM 3D लोकोमोटिव, और ये ICF कोचेस के साथ हमको काफ़ी स्पीड से क्रॉस कर रही है। ये देखिए हमारे कोच व्यू से, और ये लास्ट कोच व्यू है, और हमारी ट्रेन भी लगभग एंटर कर चुकी है, तो शायद हमको यहाँ पे अपनी ट्रेन को रोक देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्रेक सप्लाई कर देता हूँ। और मुंबई CSMT MGR चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस भी हमको यहाँ पे काफ़ी स्पीड से क्रॉस करके जा चुकी है, और यहाँ का यार क्या साइलेंट एटमॉस्फेयर है ना, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। ओके, तो हम यहाँ पे और हॉर्न मार देते हैं ताकि हम यहाँ से डिपार्ट कर सके। ओके, तो हम अपने थ्रॉटल को बढ़ाते हैं, अब ब्रेक्स को रिलीज़ कर देते हैं, थ्रॉटल बढ़ाते हैं और हमारी ट्रेन स्लोली यहाँ से डिपार्ट कर रही है। शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन से हम स्लोली डिपार्ट करते हुए, ये हमारी लास्ट कोच व्यू है। काफ़ी शांत माहौल यहाँ पे बना हुआ था क्योंकि यहाँ पे अभी कोई लोग तो है नहीं, क्योंकि ये गेम है, क्योंकि रियल में तो रेलवे स्टेशन में इतनी शांति होती नहीं है। और यहाँ पे ट्रैक साउंड को भी आप थोड़ा थोड़ा नोटिस कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है ट्रैक साउंड भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यहाँ से आगे से हम ट्रैक चेंज करके मेन लाइन में फिर से एंटर करने वाले हैं, और सामने कहीं रेड लाइट तो नहीं होने वाली ना। ओके ओके, तो यहाँ पे हमको क्लियर सिग्नल मिल चुका है, हम जा सकते हैं अपनी स्पीड से, और आगे ही हमको 105 की स्पीड मिलने वाली है, तो हमको स्लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम थ्रॉटल को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हम अपने मेन लाइन के ट्रैक में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेट कर चुके हैं, हम अपनी स्पीड में करीब 85 क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जिसके नीचे से रोड जा रही थी, और हम काफ़ी स्पीड से अब अपने ट्रैक में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम एक और रेलवे स्टेशन क्रॉस करने वाले हैं, और यहाँ पे साइड में एक स्टैटिक ट्रेन खड़ी हुई है जहाँ तक, जिसमें Web 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है ICF कोच के साथ, और एक क्रॉसिंग के साथ हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम खड़की रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर सिनेमैटिक व्यू से हमारी ट्रेन काफ़ी स्पीड से यहाँ पे क्रॉस कर रही है इस स्टेशन को। और यहाँ पे हम खड़की स्टेशन क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, साइड में पावर हाउस बना हुआ है एक, और हमारी स्पीड करीब 105 तक पहुँचने वाली है, तो हम अपने थ्रॉटल कम करके चलते हैं।
और यहाँ पे क्रॉसिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे रुक के जरा हम अपनी ट्रेन को क्रॉस करते हुए देखते हैं। और यहाँ पे यार क्या रियलिस्टिक साउंड डाला गया है ना, डॉग्स के भौंकने का साउंड आ रहा है यहाँ पर। और देखते हैं यार ये गाड़ियाँ आगे बढ़ती है कितनी। ओके, तो जैसे ही हमने ट्रेन क्रॉस करी है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी क्रॉस करना चालू कर दी है। चलो जल्दी से अपनी ट्रेन को पकड़ लेते हैं ताकि हमारी ट्रेन ना छूट जाए। तो यहाँ पे हम करीब 104 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और आगे कोई रेलवे स्टेशन है शायद जिसको हम पार करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कासारवाड़ी रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं अपनी फुल स्पीड से, जितनी हमको स्पीड लिमिट दी गई है। और सामने से एक फ्राइट ट्रेन यहाँ पे आ रही है, इसमें वैगन 9H लोकोमोटिव लगा हुआ है और ये एक फ्राइट ट्रेन है जो कि काफ़ी स्पीड से हमको यहाँ पे क्रॉस कर रही है। फुल स्पीड से ये ट्रेन हमको क्रॉस करके जा रही है और कुछ ही किलोमीटर दूर हमारा रेलवे स्टेशन भी आने वाला है। तो यहाँ पे हम करीब 104 की स्पीड से एक और रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाले हैं। देखते हैं कौन सा रेलवे स्टेशन है ये। ओके, तो ये पिंपरी रेलवे स्टेशन है जिसको हम अपनी करीब 103 की स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पिंपरी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज भी बना हुआ है ऊपर और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हुई है आसपास सीनरी में। ओके, तो हम अपने मेन डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हैं, बट यहाँ पे सामने मेरे को रेड सिग्नल दिख रहा है इसलिए मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड कम कर लिया है और यहाँ पे हमको शायद थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो थोड़ी सी ब्रेकिंग और अप्लाई कर देते हैं ताकि आगे धीरे धीरे हम रुक जाए, तब हमको क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सामने से एक और फ्राइट ट्रेन यहाँ पे हमको क्रॉस करने वाली है और शायद इसमें लगा हुआ है WDG 4D लोकोमोटिव और ये एक कंटेनर ट्रेन है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हमको क्रॉस कर रही है। यहाँ पे साइड व्यू से भी आप देख सकते हैं और हमको यहाँ पे शायद रुकना पड़ेगा थोड़ी देर क्योंकि सामने रेड सिग्नल दिया गया है। तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेन को रोक दिया है और ये फ्राइट ट्रेन हमको क्रॉस करके जा रही है। ये देख सकते हैं रेड ब्लू कंटेनर के साथ ट्रेन फुल स्पीड में हमको क्रॉस करके जा रही है। तो यहाँ पे हम अपने सिग्नल क्लियर करने का इंतजार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको क्लियर सिग्नल मिल चुका है तो फटाफट यहाँ से हम एक्सीलरेट करते हैं और सामने से हमारा ट्रैक चेंज भी हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा लास्ट कोच व्यू और हम अपने रेलवे स्टेशन में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ऊपर छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं चिंचवर रेलवे स्टेशन में और हमको यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है इसलिए यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा। और जैसे ही हमारी ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म में एंटर कर जाएगी हम अपनी ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करके रोक देंगे। ओके, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है तो यहाँ पे हम ब्रेक अप्लाई करके रोक देते हैं ट्रेन को। ओके, तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है रेलवे स्टेशन में और यहाँ पे हमको करीब 4 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है रेलवे स्टेशन का जिसमें चिंचवड़ के साथ यहाँ पे समुद्र सतह से ऊंचाई भी लिखी गई है करीब 573 मीटर। अब पता नहीं ये सही लिखी है कि गलत लिखी है, आपको पता होगा तो बताना कमेंट बॉक्स में सही है कि नहीं। और यहाँ पर एक ब्रिज भी बना हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है और मुझे कहीं से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे रहा है, शायद कोई ट्रेन हमको क्रॉस करने वाली है तो देखते हैं वहाँ जाके। ओके, तो सामने से कोई ट्रेन आ रही है जो कि हम क्रॉस करने वाली है और इसमें डबल लोकोमोटिव लगे हुए हैं। तो ये एक ऑयल टैंकर फ्राइट ट्रेन है जिसमें डबल लोकोमोटिव लगे हुए हैं और ये लोकोमोटिव है WDG 3A लोकोमोटिव और टैंकर फ्राइट ट्रेन के साथ ये हमको क्रॉस कर रही है। ओके, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे की जर्नी हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं।
तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट ज़रूर करना आपको ये जर्नी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।